ये स्कूल 1985 में बना था। 1985 से अभी तक 37 साल हो गए। इन 37 सालों में सबसे पहले मैं पीडब्ल्यूडी के उन सभी इंजीनियर्स और अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना शानदार स्कूल बनाया। उस कॉन्ट्रैक्टर को बधाई देना चाहता हूँ जिसने इतना शानदार स्कूल बनाया। और मैं देख रहा हूँ कि स्कूल को बनाने वाले आर्किटेक्ट चौहान साहब बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई चौहान साहब, इतना अच्छा स्कूल और डिज़ाइन करने के लिए बच्चों के लिए। जैसा अभी आतिशी जी ने बताया कि ये स्कूल 1985 में बना था। 1985 से अभी तक 37 साल हो गए। इन 37 सालों में इस पार्टी की सरकार भी आई और उस पार्टी की सरकार भी आई, लेकिन स्कूल किसी भी पार्टी के पॉलिटिक्स में अहमियत नहीं रखते थे। स्कूलों को ठीक करना, बच्चों को शिक्षा देना, गरीबों के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देना, ये कोई बात ही नहीं होती थी राजनीति के अंदर। कोई ना कांग्रेस कहती थी कि हम आए तो हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, ना बीजेपी कहती थी कि हम आए तो हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। हम आने के बाद बस यही कहते हैं कि हमको वोट दोगे तो हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। हमारी तो पूरी की पूरी राजनीति बच्चों की, पूरी की पूरी राजनीति बच्चों की शिक्षा के ऊपर आधारित है। 37 साल के अंदर दोनों पार्टियों की सरकारें आई, किसी पार्टी ने आपके टिन वाले स्कूल को ठीक करने की नहीं सोची। लेकिन कहते हैं कि हम तो केवल वो हैं, मीन्स हैं, ऊपर वाला करवाता है। तो ऊपर वाला शायद इंतजार कर रहा था कि एक दिन आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और वो दिल्ली के सारे टिन वाले स्कूलों को शानदार बनाएगी।